वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां प्रेमिका के घर प्रेमी का शव मिला है। घटना स्थल से कई जिंदा कारतूस और मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। प्रेमिका के घर प्रेमी का गोली लगा हुआ डेड बॉडी मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जी हां, घटना सुल्तानगंज थाना इलाके के अजीमाबाद कॉलोनी के सनीचरा मंदिर के पास की है, जहां बीती रात शेरू मियां के मकान में इरफान का गोली लगा हुआ डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला मानता है। हालांकि हर बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या है या फिर आत्महत्या। क्या जानकारी मिली? जानकारी मिला कि एक आदमी को गोली लगी है, कितनी गोली लगी हुई? एक गोली लगा हुआ है। क्या नाम है मृतक का? नाम है, मृतक का नाम है मोहम्मद इरफान, बाप का नाम है मोहम्मद इजू। अजीमाबाद कॉलोनी में शेरू मियां के मकान में सनीचरा मंदिर के पास किराए पर रहता है। क्या लड़की का कुछ मैटर सुनने में आ रहा है? अब तो ये तो विशेष जानकारी मिलने के बाद ही बताया जाएगा, ऐसा कि उनके परिजन लोग बता रहे हैं कि शायद कोई प्रेम प्रसंग का बात है, लेकिन अभी कोई लिखित ऐसा नहीं मिला है, इसलिए स्पष्ट कहना जल्दीबाजी होगा। जो जानकारी मिली उसमें लड़की के घर में मिला है लाश या कहाँ मिला है, जो आपको जानकारी? लड़की जहाँ पर गया था लड़का, वो लड़की के घर से ही मिला है। गोली लगा हुआ? गोली लगा हुआ, एक गोली। मृत हालत में मिला है वो। अच्छा, क्या पहले भी कोई प्रेम प्रसंग में झगड़ा हुआ, कुछ जानकारी मिली? अब ऐसा कोई हमको माने संज्ञान में नहीं है। जिनके घर में मौत हुई उनका नाम क्या है भाई, जिनके घर में? अब देखिए, हम लोग वहाँ पहुँचे हड़बड़ में, इसको जब देखा तो पहले हम लोग उठा लिए कि इसको अगर थोड़ा माने था, सांस चल रहा था, ऐसा लगा हम लोग कि अगर जल्दी किया जाए तो ये हो सकता कि बच जाए, तो हम लोग विशेष उसका जानकारी अभी नहीं। वहाँ हमारा SHO महोदय पहुँचे हुए हैं, स्पॉट पर विस्तृत जानकारी ले रहे हैं, हम लोग लाश के साथ चले आए। देखने से क्या लग रहा है, वो अपने मारा होगा या सामने से लगा होगा? अब तो ये हम स्पष्ट नहीं बता सकते। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम प्रमोद कुमार सिंह, हम सहायक अवर निरीक्षक हैं, सुल्तानगंज थाना में पोस्टेड हैं। ठीक, थैंक यू।